आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ड्रामा सीरियल एक सितम और के अदाकारों की रियल लाइफ के हैरान कुन हकायक शेयर करेंगे। तो अगर आप इन तमाम अदाकारों के बारे में अहम मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्रामा सीरियल एक सितम और 2022 का एक फैमिली ड्रामा है जिसे ARY डिजिटल पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे में आप बड़े बड़े अदाकारों को एक साथ परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं, जबकि कुछ नए अदाकार भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस ड्रामे में परफॉर्म करने वाले अदाकारों में अनमोल बलोच, उसामा खान, सिरहा असगर, महरू निसार, सलमान सईद, मालिया वास्ती, रुबीना अशरफ, साजिद खान, जवेरिया वासी, आशा गुल, अदनान जलानी, शहूद अलवी और दीगर अदाकार शामिल है। आइए इन सब अदाकारों के बारे में जानते हैं। नंबर वन, उसामा खान। उसामा खान एक हैंडसम पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं। इन्होंने 2017 में अपने शोबिज करियर का आगाज किया। वो कई कामयाब ड्रामों में लीडिंग रोल्स निभाते हुए नजर आते हैं। अदाकार उसामा खान 2 नवंबर 1991 को गुजरावाला में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 30 इयर्स है और वो अपने शोबिज करियर की वजह से कराची में रहती हैं। अदाकार उसामा खान की फैमिली में से किसी का ताल्लुक भी शोबिज से नहीं है। इनकी फैमिली में इनके वालिदैन के अलावा इनकी दो बहनें हैं। इनकी बहनें शादीशुदा हैं। अदाकार उसामा खान का मानना है कि इनकी फैमिली इनके लिए एक कीमती असासा है। इनकी अपनी फैमिली के साथ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अदाकार उसामा खान की शादी अभी नहीं हुई, लेकिन इनकी मंगनी साथी कामयाब अदाकारा जैनब शबीर के साथ हो चुकी है, जिसका ऐलान वो गुज़श्ता साल कर चुके हैं। इनकी जोड़ी मदाहों में बेहद मकबूल है। वो दोनों एक साथ कई कामयाब ड्रामों में अदाकारी के जोखे दिखाते हुए नजर आ चुके हैं। अदाकार उसामा खान ने 2017 में अपने करियर का आगाज किया। वो अब तक 23 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जोखर दिखा चुके हैं। नंबर टू, सिरहा असगर। सिरहा असगर पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की एक यंग और खूबसूरत अदाकारा और मॉडल हैं। वो कई कामयाब ड्रामों में सपोर्टिंग रोल्स निभाती हुई नजर आती हैं। इनकी शानदार अदाकारी इन्हें शोबिज की एक कामयाब अदाकारा बनाती हैं। अदाकारा सिरहा असगर की उम्र इस वक्त 27 ईयर्स है। वो 9 अक्टूबर 1993 को लाहौर में पैदा हुई। अब वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पसीर हैं। अदाकारा सिरहा असगर असल जिंदगी में शादीशुदा हैं। इनकी शादी दिसंबर 2020 में लाला उमर मुर्तजा से हो चुकी है। इनके शोहर का ताल्लुक शोबिज से तो नहीं है, बल्कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। आप इनकी अपने शोहर के साथ तस्वीर देख सकते हैं। इनकी फैमिली में से किसी का ताल्लुक भी शोबिज से नहीं है। वो अपने खानदान में वाहिद हैं जो शोबिज से मुंसलिक हैं। इनकी फैमिली में इनके वालिदैन के अलावा इनकी दो खूबसूरत बहनें और एक भाई है जो इन्हें बहुत अजीज हैं। अदाकारा सिरहा असगर ने अपने शोबिज करियर का आगाज 2015 में किया। वो अब तक 15 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। नंबर थ्री, सलमान सईद। सलमान सईद एक यंग और हैंडसम पाकिस्तानी अदाकार और मॉडल हैं। वो एक मल्टी टैलेंटेड अदाकार हैं जो अपनी शानदार अदाकारी से सबको मुतासिर कर चुके हैं। अदाकार सलमान सईद 1 जनवरी 1987 को कराची में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 35 इयर्स है और वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर हैं। अदाकार सलमान सईद असल जिंदगी में शादीशुदा हैं। इनकी शादी 25 दिसंबर 2020 में अलीना फातिमा से हो चुकी है। इनकी बीवी का ताल्लुक शोबिज से नहीं है। अदाकार सलमान सईद अब एक प्यारी सी बेटी के बाप है। इनकी बेटी का नाम आयरा सलमान है। अदाकार सलमान सईद का ताल्लुक एक आर्टिस्ट फैमिली से है। वो कामयाब अदाकार हुमायूं सईद के छोटे भाई हैं। इनकी फैमिली में इनके चार भाई हैं। इनके भाइयों के नाम अदनान सईद, अमर सईद, हुमायूं सईद और बाबर सईद हैं। अदाकार सलमान सईद ने 2014 में अपने शोबिज करियर का आगाज किया। वो 20 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। प्लीज सब्सक्राइब शोबिज न्यूज ऑफिशियल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट शोबिज अपडेट। नंबर फोर, अनमोल बलोच। अनमोल बलोच जो की शोबिज में अपने स्टेज नेम से मशहूर है, जबकि इनका असल नाम राबिया खान है। वो एक बासलाहित पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं। इन्होंने बहुत थोड़े वक्त में शोबिज में अपनी एक खास जगह बना ली। अदाकारा अनमोल बलोच 13 जनवरी 1992 को कराची में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 30 इयर्स है और वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर हैं। अदाकारा अनमोल बलोच की शादी अभी नहीं हुई और ना ही इनके अफेयर की कोई खबर सामने आई है। अदाकारा अनमोल बलोच की फैमिली में से इनके अलावा कोई भी शोबिज से ताल्लुक नहीं रखता। इनका ताल्लुक एक कश्मीरी फैमिली से है। इनकी फैमिली में इनके वालिदैन के अलावा इनके
तीन भाई और एक बहन है। वो अपनी फैमिली में सेकंड लास्ट है और बहुत ज्यादा लाडली है। अदाकारा अनमोल बलोच ने 2016 में अपने करियर का आगाज किया। वो अब तक 16 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में परफॉर्म कर चुकी है। नंबर 5, मारिया वास्ती। मारिया वास्ती एक सीनियर बासलाहियत पाकिस्तानी टीवी फिल्म अदाकारा और होस्ट है। वो तवील अरसे से शोबिज का हिस्सा है। अदाकारा मारिया वास्ती 14 अगस्त 1980 को दारुल सलाम तंजानिया में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 41 ईयर्स है और अब वो अपने शोबिज करियर की वजह से कराची में रहती हैं। अदाकारा मारिया वास्ती का शुमार शोबिज की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा। इनकी शादी अभी नहीं हुई और ना ही इनके अफेयर की कोई खबर सामने आई है। अदाकारा मारिया वास्ती का ताल्लुक एक आर्टिस्ट फैमिली से है। वो शोबिज अदाकार रिजवान वास्ती और राइटर और अदाकारा ताहरा वास्ती की भांजी है और अदाकारा लैला वास्ती इनकी कजन है। इनकी फैमिली में इनकी दो बहने हैं। अदाकारा मारिया वास्ती ने अपने शोबिज करियर का आगाज 1997 में किया। वो अब तक 62 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों, 11 टेली फिल्मों और 4 पाकिस्तानी फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं और अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। नंबर 6, साजिद हसन। साजिद हसन एक सीनियर पाकिस्तानी अदाकार है। इन्होंने ड्रामा सीरियल धूप किनारे से शोहरत हासिल की। अदाकार साजिद हसन एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ एक राइटर भी है। वो कई कामयाब ड्रामे भी लिख चुके हैं। अदाकार साजिद हसन 1958 को कराची में पैदा हुए। इस वक्त इनकी उम्र 64 साल है और वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पजीर हैं। अदाकार साजिद हसन असल जिंदगी में शादीशुदा हैं। इनकी बीवी का नाम शकीला चोपड़ा है जो कि पेशे के एतबार से एक एरोबिक ट्रेनर है। अदाकार साजिद हसन 3 जवान बेटों के बाप है। इनकी फैमिली में से इनके अलावा कोई भी शोबिज से ताल्लुक नहीं रखता। अदाकार साजिद हसन की फैमिली में इनकी दो बहने हैं और एक भाई था। अदाकार साजिद हसन 2009 में 10 मुहर्रम को होने वाले खुदकुश बम धमाके के दौरान अपने अकलौते भाई को खो चुकी हैं। इन्होंने 1980 में शोबिज में कदम रखा। वो अब तक 26 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों और 10 पाकिस्तानी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं और बेस्ट राइटर का अवार्ड भी अपने नाम करवा चुकी हैं। नंबर 7, रुबीना अशरफ। रुबीना अशरफ शोबिज इंडस्ट्री का एक कामयाब नाम है। वो एक बासलाहियत अदाकारा, राइटर और प्रोड्यूसर है। इन्होंने पीटीवी से अपने करियर का आगाज किया। अदाकारा रुबीना अशरफ 9 नवंबर 1959 को कराची में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 62 ईयर्स है और वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रहती हैं। अदाकारा रुबीना अशरफ असल जिंदगी में शादीशुदा हैं। इनके शोहर का नाम तारिक मिर्जा है और इनका ताल्लुक शोबिज से नहीं है। अदाकारा रुबीना अशरफ एक बेटी मीना तारिक और एक बेटे की माँ है। इनकी बेटी का ताल्लुक शोबिज से ही है। वो शोबिज में बतौर अदाकारा और मॉडल परफॉर्म कर रही है। अदाकारा रुबीना अशरफ खुद भी तवील अरसे से शोबिज का हिस्सा है। वो अब तक 55 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों में परफॉर्म कर चुकी हैं और इसके अलावा वो 2 टेली फिल्मों और 4 पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। अदाकारा रुबीना अशरफ बतौर डायरेक्टर भी 10 ड्रामे डायरेक्ट कर चुकी हैं। नंबर 8, आयशा गुल। आयशा गुल एक मल्टी टैलेंटेड पाकिस्तानी अदाकारा है जो ड्रामा सीरियल मुकद्दर बेचारी कुदसी और सफर तमाम हुआ जैसे कामयाब ड्रामों में अपने किरदारों के लिए जानी जाती है। अदाकारा आयशा गुल 6 अगस्त 1980 को क्वेटा में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 41 ईयर है। अदाकारा आयशा गुल की शादी अभी नहीं हुई लेकिन इनकी मंगनी अप्रैल 2021 में अली सईद से हो चुकी है। इनकी फैमिली में से कोई भी शोबिज से ताल्लुक नहीं रखता। अदाकारा आयशा गुल ने 1999 में शोबिज में कदम रखा। वो अब तक 44 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामों, 4 टेली फिल्मों और 1 पाकिस्तानी फिल्म में परफॉर्म कर चुकी हैं और अपनी शानदार अदाकारी से सबको अपना गर्विदा बना चुकी हैं। नंबर 9, जवेरिया अब्बासी। जवेरिया अब्बासी एक मल्टी टैलेंटेड टीवी फिल्म अदाकारा, मॉडल और होस्ट है। वो ड्रामा सीरियल दहलीज, थोड़ी सी खुशियां और सतेली जैसे कामयाब ड्रामों में अपने किरदारों के लिए मशहूर हैं। अदाकारा जवेरिया अब्बासी 29 दिसंबर 1972 को कराची में पैदा हुई। इस वक्त इनकी उम्र 49 ईयर्स है और वो अपनी फैमिली के साथ कराची में रहायश पसीद हैं। अदाकारा जवेरिया अब्बासी की शादी 2007 में अदाकार शमून अब्बासी से हुई थी जो 2 साल बाद 2009 में तलाक पर खत्म हो गई। अदाकारा जवेरिया अब्बासी की एक बेटी है जिसका नाम अंजिला अब्बासी है। इनकी बेटी का ताल्लुक भी शोबिज से ही है। अदाकारा जवेरिया अब्बासी का ताल्लुक एक आर्टिस्ट फैमिली से है। इनकी वालदा का नाम नहीद अब्बासी और वालिद जुबैर अब्बासी है जबकि इनकी बहन अनुषा अब्बासी भी एक कामयाब अदाकारा है। अदाकारा जवेरिया अब्बासी ने 1996 में शोबिज में कदम रखा। वो अब तक बेशुमार पाकिस्तानी ड्रामों का हिस्सा बन चुकी हैं और अपनी शानदार अदाकारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। ड्रामा सीरियल एक सितम और में परफॉर्म करने वाले इन तमाम अदाकारों के बारे में ये सब मालूम जानकर आपको कैसा लगा और इनमें से कौन सा अदाकार आपका सबसे फेवरेट है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।